कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। खाद्य तेल के बाजार में पाम ऑयल से जुड़ी खबरें आ रही हैं कि पाम ऑयल स्टॉक 6 महीने के उच्च स्तर पर नजर आ रहा है। पाम ऑयल के बाजार में अन्य खाद्य तेलों के दाम कमजोर होने से सोमवार के दिन मलेशियाई क्रूड पाम तेल यानी CPO वायदे में गिरावट दर्ज करी गई। व्यापारियों को मलेशियाई पाम तेल बोर्ड यानी MPOB से उत्पादन और स्टॉक की रिपोर्ट का इंतजार है। बरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी BMD पर नवंबर डिलीवरी के पाम तेल वायदे अनुबंध में 3 रिंगिट यानी 0.08% तक की गिरावट आकर भाव 3,895 रिंगिट प्रति टन के आसपास रहेगा। इस दौरान शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में 1.18% तक की तेजी के साथ कारोबार हुआ है। निवेशक MPOB की मासिक डेटा पर बारीकी से नजर रख रहे हैं जो कि मंगलवार को जारी होने वाला है, जिसमें निर्यात मांग कमजोर होने के कारण पाम तेल भंडार में 6 महीने की बढ़ोतरी के साथ कारोबार देखा गया। राइटर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार खबरों के मुताबिक अगस्त के अंत में मलेशिया में पाम तेल के भंडार में बढ़ोतरी दर्ज करी गई। जयपुर में सरसों तेल, कच्ची घानी और एक्सप्लोर की कीमतें सोमवार के दिन 10 रुपए प्रति 10 किलो तक बढ़ती हुई नजर आई। कच्ची घानी सरसों तेल के भाव 1,289 रुपए प्रति 10 किलो के हिसाब से देखे गए, जबकि सरसों तेल एक्सप्लोर के जो दाम है उसमें भी 1,279 रुपए प्रति 10 किलो के हिसाब से यहां पर बाजारों में रेट देखा गया। इसके अलावा सरसों के बारे में बात करते हैं तो बाजारों में अभी बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। सरसों खल में भी बाजारों में बढ़त दर्ज करी गई। ओवरऑल सरसों तेल में गिरावट की संभावना कम है और वहीं जो पाम तेल का जो स्टॉक है यहां पर ही बढ़त दर्ज करी गई है। पिछले 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पाम तेल का जो स्टॉक है वो बाजारों में पहुंच चुका है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।